गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस देख रहे हैं, सुबह सुबह निकले हुए हैं, गाँव आया हूँ और इधर सुबह सुबह निकले हैं तालाब के लिए। समझ सकते हैं सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो अभी उधर ही चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं इधर का नज़ारा। भाई ठंडा बहुत मस्त हो रखा है यहाँ पे, बहुत भारी ठंडा है भाई। शहर से तो बहुत ही ज़्यादा गांव में ठंडा है। और अभी हम लोग चल रहे हैं उधर खेतों में, तो चलिए नज़ारा दिखाते हैं खेतों का। यहाँ पे भीड़ कितनी लगी रहती है सुबह सुबह खेतों में, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, याद है भाई सुबह सुबह अपने सूरज देव निकल रहे हैं अभी, पूरा एकदम पूरा लाल कलर के साथ देख रहे हैं, पूरा भयानक खतरनाक लाल एकदम कलर है। सुबह सुबह का माहौल देखिए इधर, सुबह का गजब है। और ये रहा अपना तालाब गाइस, जहाँ अभी कार्यक्रम के बाद दरिया के धोना है, देख सकते हैं भाई साहब, पूरा कोहरा है, चारों तरफ कोहरा हो रखा है। सब कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सब अपने अपने घर चल दिए अपने काम धंधा में। तो गाइस हम भी आ गए, ये देखिए हम बस पहुंचने वाले हैं। इधर तालाब है और उधर जो देख रहे हैं आगे जो झाड़ दिख रहा है उधर ही अपने को जाना है। और उसके बाद आपको नज़ारा दिखाते हैं इधर गाइस, देखिए खेतों का। इधर खेतों में धान लगा हो, धान हो रखा है इधर में, और बाकी हर जगह कटाई शुरू हो चुका है धान का और कटना चालू भी हो गया है। देख रहे हैं अभी इधर पका नहीं है ये ठीक से, इसलिए अभी कटा नहीं है। और ये देखिए इधर बाकी जो पक गए थे वो कट के रेडी हैं, बस उठाएंगे घर लेके जाएंगे। और आगे देख रहे हैं, आगे भी चारों तरफ देख रहे हैं खाली धान की खेती यहाँ पे। ऐसे ये वेस्ट बंगाल वाले एरिया है ना, तो यहाँ पे आपको अधिकतर से चावल की खेती दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे काट के ऊपर में रखा हुआ है और इसके बाद घर ले जाएंगे, उसके बाद उसको मशीन से झाड़ेंगे, बस हो गया इतना ही कार्यक्रम रहता है चावल का। सोए गाइस, सो सो खांसी हो रहा है, ठंडा को जैसे भारी ठंडा है गाइस। पूरा तालाब को लोटस के पेड़ ने घेर के रखा हुआ पूरा तालाब को। इस खेतों से होके आ गए हैं और अभी जा रहे घर की ओर। घर जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता वगैरह करके बाद फिर निकलेंगे और इधर और भी जो भी लोकेशन है घूमने वाला जगह उधर जाएंगे, और उधर का भी वीडियो बनाएंगे, डालेंगे जरूर, आपको देखने को जरूर मिलेगा कि भाई गाँव में डेली जो लाइफ है कैसा कैसे होता है। पूरा वीडियो बनाएंगे आज, दिखाएंगे कि सुबह से लेकर रात तक का क्या प्रोग्राम रहता है गांव के लोगों का। ठीक है, और इधर अभी चल रहे हैं मैदान में, मैदान होके जा रहे हैं घर। और यहाँ देख रहे हैं पूरा माहौल एकदम मस्त है, सुकून वाला, शांत जिंदगी, शहर से भाग के भाग दौड़ से बहुत मस्त है, तो सुकून मिल रहा है एकदम, समझे कि नहीं। ऐसा ऐसा होता है कि यार सुबह शहर का सुबह सुबह यार सुबह उठ जाओ, अपना काम का टेंशन, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है गाइस। आराम से चिल मार के तो उठिए, आराम से सुबह जाइए, ब्रश व्रश कीजिए, घंटा घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं गाइस। काम का ना कोई का चिंता, कोई चीज़ का चिंता नहीं है, बस अपना आराम से मस्त रहिए, समझे कि नहीं। यही है गाँव और शहर में अंतर। ठीक है, पूरा मौज, आराम से, खेती बाड़ी तो चल ही रहा है, पैसा टेंशन है थोड़ी ना। और यहाँ पे भाई ऐसा है कि यहाँ पे ना आपको बिजली बिल भरने का भर बिजली बिल भी भरता है, लेकिन उतना तो ज़्यादा बिल नहीं आता इधर में, और ना ही आपको ज़्यादा कोई चीज़ का ये देना है, बिल देना है ना, कुछ के झंझट ज़्यादा कुछ ना, आपको यहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है, तकलीफ नहीं है ज़्यादा गाँव में। बस थोड़ा मोड़ा पैसा जो प्रॉब्लम होता है वो तो इधर सब्जी वगैरह सब उगा के लोग मैनेज कर लेते हैं भाई, खेती बाड़ी से इतना पैसा हो जाता है कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है।
इधर झगड़ा हो रहा है बच्चा बच्चा लोगों का अपना खेल के लिए, देख रहे लड़ाई चल रहा है पूरा अपना खेल के। तो गाइस देख रहे यही है बस आ रहा देख लिए। बस गाइस यहीं तक अपना वीडियो को बनाते हैं और अभी चलते हैं घर और फिर उसके बाद आएगा कार्यक्रम सोचेंगे। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।